अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैर होंगे। बात करेंगे वो तमाम दोस्त अहबाब जो ओमान से कैंसिल जाना चाहते हैं या जो कैंसिल जा रहे हैं, जो जाने वाले हैं। बहुत सारे दोस्त अहबाब ने बहुत सारे से मतलब एक दो लोगों ने कमेंट किया था। हम ये नहीं कहेंगे कि भाई बड़े कमेंट आते हैं, क्योंकि मोस्टली तो हम कमेंट का रिप्लाई कर देते हैं, तो हमें तो पता है कितने कमेंट आते हैं। तो कुछ दोस्तों ने कमेंट किया था कि कैंसिल जाने के लिए क्या ऑनलाइन कैंसिलेशन करवाना पहले से लाजमी है या नहीं। तो आज 12 अगस्त है, लास्ट मंथ जो अनाउंसमेंट की गई थी के वो तमाम लोग जो ओमान से कैंसिल जाएंगे वो पहले से अपना पेपर ले सकते हैं, कैंसिलेशन पेपर। यानी अरबाब को आपके साथ या कंपनी के किसी बंदे को आपके साथ एयरपोर्ट पर जाके कैंसिल करने की जरूरत नहीं है। आप जो है पहले से आपका स्पॉन्सर जो है कंपनी अरबाब जो है वो जिस बंदे ने भी कैंसिल जाना है उसके नाम का पेपर जो है मैन पावर से, लेबर मिनिस्ट्री से ले सकता है। और वो डेफिनेटली ऑनलाइन ही होगा, आपको एक पेपर मिल जाएगा, आप जाइएगा पेपर अपने साथ लेके एयरपोर्ट पर दिखाइएगा इमिग्रेशन में, खलास यूर कैंसिल। अरबाब का जाने वाला सिलसिला वो खत्म किया गया था। लेकिन अगर कोई आपको ये कह के ब्लैकमेल करता है कि जी एयरपोर्ट पे या ऑनलाइन कैंसिलेशन वाला सिस्टम बंद हो गया है, नहीं चल रहा, डाउन है, अभी नहीं जाओ, 1 महीना 2 महीना 4 महीना, तो वो अलहदा बात है। और ये भी कि अगर खुदा ना खास्ता लेबर मिनिस्ट्री से आपको कैंसिलेशन पेपर नहीं मिला तो आपका अरबाब आपके साथ जाएगा इमिग्रेशन पे, वहां पे आपको कैंसिल किया जाएगा। बिल्कुल इसका मतलब ये नहीं है कि सिस्टम ऑनलाइन कर दिया गया तो एयरपोर्ट के ऊपर कैंसिलेशन का अमल ही खत्म कर दिया, ऐसा नहीं है। आप कुछ लोग जो है इमरजेंसी में जाना चाहते हैं, डेफिनेटली आप पेपर का वेट करेंगे, भाई मिनिस्ट्री ओपन हो तो आप पेपर लें, नहीं आप अरबाब आपके साथ जाएगा एयरपोर्ट के ऊपर, आपको कैंसिल कर दिया जाएगा। और ऑनलाइन वाला जहां पर सिलसिला है कि ऑनलाइन सिस्टम चल रहा है या नहीं चल रहा है, मैन पावर का सिस्टम 100% चल रहा है, कैंसिलेशन पेपर भी दिए जा रहे हैं, ओमान में जो लोग हैं उनके वीजे भी लग रहे हैं, रिन्यू भी हो रहा है, तनाजुल भी हो रहा है और दीगर सर्विस भी चल रही। मैं अभी खाना खा के आया हूँ तो जो है ना सांस में सांस नहीं आ रही। एनी हो, उम्मीद है आप इन चीज़ों को भी बर्दाश्त करेंगे। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, और हमारा ख्याल रखने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। जजाकल्ला, अल्लाह हाफिज़।